श्री राजा राम इंटरकॉलेज तैयारी के रखकर जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। इसमें आपको आज पढ़ाएंगे लघु उत्तरी प्रश्न, भारत में संस्कृतिकरण का प्रभाव व्यवसाय और धर्म के क्षेत्र में किस रूप में पड़ा, वर्णन कीजिए। भारत में संस्कृतिकरण का प्रभाव व्यवसाय एवं धर्म के क्षेत्र में निम्न रूपों में प्रभावित किया। नंबर एक टॉपिक है व्यवसाय पर प्रभाव, क्योंकि संस्कृतिकरण का जो प्रभाव व्यवसाय पर पड़ा है वह न तो जातिगत आधार पर बल्कि धर्म अथवा शुद्धता को आधार नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें व्यवसाय को अपनाने के मापदंड उसी प्रकार बदले हैं जिस प्रकार से शादी विवाह के मानकों में परिवर्तन आया है, उसी प्रकार से व्यवसायों में भी परिवर्तन आया। क्योंकि पहले जो जातिगत व्यवसाय हुआ करते थे उन्हीं जात के लोग उस व्यवसाय को करते हैं, अब इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस किसी व्यवसाय के शिक्षा से आप करना चाहते हैं, उसके प्रति जागरूक हैं, उसको करने का आपको गुण है, तो आप किसी भी व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसमें जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कि इस आप किस जात के हैं, किस व्यवसाय को कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। किसी भी व्यवसाय को संस्कृतिकरण का ये प्रभाव पड़ा कि आप किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं, इसमें आपकी रुचि लगन चेष्टा जिसमें हो उस व्यवसाय को आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से शादी विवाह के मानकों में परिवर्तन आया है, उसी तरह के व्यवसायों में भी अब परिवर्तन आया है। अब कोई मानक ऐसा नहीं रह गया है कि इस मानक के आधार पर आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी व्यवसाय को आप कर सकते हैं। अगली टॉपिक है धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। पर प्रभाव संस्कृतिकरण, भारत का संस्कृतिकरण के प्रभाव में धार्मिक क्षेत्रों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि घंटों पूजा स्थलों पर बैठे रहने के बजाय लोग अब कार्य करते हुए प्रार्थना इबादत कर लेते हैं। क्योंकि अब यह ऐसा समय आ गया है कि इसमें घंटों पूजा स्थलों पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, अब धार्मिक स्थलों पर जाने के बजाय अब टीवी चैनल पर भी लोग प्रवचन सुन लिया करते हैं और उपदेश सुन लिया करते हैं। पंडित तथा पुजारियों को दक्षिणा देने की बजाय अब लोग दान की राशि चैरिटेबल संस्थानों को भी करते हैं, जो सामाजिक कल्याण के कार्यों में संलिप्त होते हैं। क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग पंडित पुजारियों को दान दक्षिणा दिया करते थे, उनके अपने बुलाते थे, अपने यहाँ पूजा पाठ इत्यादि करवाते थे, सभी लोगों को उसमें जुटाते थे, पूजा पाठ के उपरांत उन लोगों को भोज देते थे। अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव हो चुका है। इन क्षेत्रों के बदलाव के कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की भी आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं, बल्कि एक स्थान पर ही रहकर लोग उसी स्थान पर बैठे बैठे पूजा पाठ इत्यादि कर लिया करते हैं। बल्कि पंडित पुजारियों को दान दक्षिणा देने के बजाय वह चरिष्ट स्थलों में दान दक्षिणा कर दिया करते हैं, जिससे वो सामाजिक कार्यों के लिए संलिप्त होते हैं। उसमें वह दक्षिणा का कार्य व सहायता की राशि वह असहायों में वितरित कर दी जाती है। दूसरा प्रश्न होगा आपका संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है, संस्कृति को एक
अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है जो नियमित रूप से बार बार होती है। इस संबंध को ज्ञान विश्वास कला और मूल्य नियम परंपरा तथा सामाजिक सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की गई अनक्षमता से प्राप्त होती है। जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं या विश्वास या कला या मूल्य नियम परंपराएं इत्यादि मनुष्य द्वारा अर्जित की जाती हैं उसको संस्कृत कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा तिलकोत्तरी का आधुनिकीकरण शब्द का क्या मतलब है। अगला प्रश्न है तिलकोत्तरी का आधुनिकीकरण शब्द का क्या मतलब। आधुनिकीकरण शब्द का क्या मतलब है प्रश्न है। आधुनिकीकरण एक बहुआयामी शब्द है। यह लोगों के जीवन में निर्मित क्षेत्रों में धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों को एक नया अर्थ प्रदान करता है क्योंकि व्यक्ति को आधुनिकीकरण शब्द जीवन में निर्मित क्षेत्रों में धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक पक्षों को एक नया अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को आधुनिकीकरण शब्द से संबोधित किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों के पश्चिमी मूल्यों को अपनाना प्रारंभ कर दिया गया जिसके कारण संस्कृति तथा सामाजिक संरचना में बदलाव हुए हैं। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको बता दे रहे हैं किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। विकल्प होगा ए में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। दूसर का बी का विकल्प है ज्योतिबा फूले, तिवा फूले। सी का विकल्प है विद्यासागर, सागर। डी में विकल्प है रविंद्र नाथ टैगोर। सही विकल्प यही पहला है ए वाला राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। दूसरा का प्रश्न होगा
सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ 1853 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। तीसरा प्रश्न होगा, पुणे में प्रथम महिला विद्यालय किसने, निम्न में से किसने स्थापित किया था? विकल्प होगा ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन। पहला विकल्प इसका सही है, ज्योतिबा फूले। चौथा प्रश्न होगा, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, इनमें से सभी। यही चौथा विकल्प इसका सही है, इनमें से सभी।